हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम छोटन बारी। तो गाइस, आज हम इस वीडियो पे आपको दिखाने वाले हैं कि कार्टून कैरेक्टर का आई ब्लिंकिंग कैसे करेंगे और माउथ ट्वर्किंग कैसे करेंगे, और साथ ही साथ कार्टून कैरेक्टर का जो बॉडी है वो आप कैसे मूवमेंट करेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं वही दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पर। तो ओके गाइस, आज हम इस वीडियो पे ये जो कैरेक्टर देख रहे हैं, इस कैरेक्टर का आई ब्लिंकिंग और माउथ ट्रिलिंग कराने वाला है, और साथ ही साथ इसका जो बॉडी पार्ट है वो भी मैं आपको मूव करके दिखाऊंगा कैसे आप इसका बॉडी पार्ट मूव कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना होगा, इसका जो पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, जैसे कि ये हैंड है और ये इसका जो लेग है और इसका जो हेड है, वो आपको अलग अलग डिवाइड में इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं एक एप्लीकेशन पर जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेजर। तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा, और उसके बाद जस्ट आपको ओपन करना होगा, और ओपन करने के बाद उसी करेक्टर को आपको इनपुट कर लेना देखिए होगा। गाइस, मैं इस करेक्टर को जो है इनपुट कर लिया है। इनपुट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक एक पार्ट में इसको आपको क्रॉपिंग कर लेना होगा। जैसे कि ये जो हेड है, इस हेड को आपको एक पार्ट में इसको क्रॉपिंग करके इससे सेव कर लेना होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनुअल, तो मैनुअल ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको इस तरीके से अरेंज कर देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद इसे आपको गैलरी पर सेव कर लेना होगा। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको इजी प्रोसेस बताऊंगा, ऐसा कोई हार्ड प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, वो आप सभी लोग कर सकते हैं। सिंपली सबको इस तरीके से इसको क्रॉपिंग करके इसे आपको यहाँ पर डन ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको सेव कर लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर से बैक पर क्लिक करना होगा, स्टॉप एडिटिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका जो हैंड है, हैंड को आपको इस तरीके से क्रॉपिंग कर लेना होगा। तो इस तरीके से इसका जो हैंड है वो आपको यहाँ पर क्रॉपिंग कर लेना होगा। इस तरीके से गाइस, आप कार्टून कैरेक्टर का जो पार्ट है वो अलग अलग डिवाइड में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आपको चलना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आप ओपन कर लीजिए। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना होगा, उसी कैरेक्टर का जो फेस आपने क्रॉपिंग की उस है फेस को आपको यहाँ पर इनपुट करना होगा। चलिए प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, एडिट वाले ऑप्शन पर जाइए, और जाने के बाद इस करेक्टर का जो फेस है वो आपको यहाँ पर, तो गाइस इस तरीके से करेक्टर का जो फेस है वो आप इनपुट कर लीजिए। इनपुट करने के बाद नीचे आपको जाना है, नीचे आपको ड्रॉ का ऑप्शन दिखाई देगा, ड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्रश आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला ब्रश को आपको सिलेक्ट करना होगा। इसका साइज आप यहाँ पर सेट कर लीजिए, और सेट करने के बाद यहाँ पर इसका जो स्किन कलर है वो आपको इस तरीके से पॉइंट करना होगा, और करने के बाद छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा जूम करना होगा, जूम करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका आँख में आपको कलर कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको कार्टून कैरेक्टर का जो आई है वो आपको इस तरीके से मूव कर देना तो होगा। मूव करने के बाद आप देखिए इसका जो माउथ है, माउथ को आप इस तरीके से इसे आप मूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कलर कर देना है। कलर करने के बाद आपको ये वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है वो आपको छोटा करना होगा, और इसके बाद यहाँ पर जाना होगा कलर पर। कलर पर जाने के बाद इसका ब्लैक कलर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। इस तरीके से इसका जो लिप है वो आपको बना लेना होगा, और इसके बाद आपको सेव कर लेना होगा। ठीक और है, इसके इसके बाद बाद आपको काइन मास्टर पर आपको जाना है। ठीक है, तो काइन मास्टर आप ओपन कर लीजिए। तो काइन मास्टर ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड ले लेना है। बैकग्राउंड का जो कलर है वो आपको यहाँ पर ग्रीन कर देना होगा, और ग्रीन करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर जाना होगा। और मीडिया पर जाने के बाद गाइस आपको जिस आपने फेस को क्रॉपिंग किया उस फेस को आपको यहाँ पर, तो ऐड करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर इसे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया पर जाना होगा। मीडिया पर जाने के बाद गाइस आप पिक्सआर्ट से जिस फेस को तैयार की है उस फेस को आपको यहाँ पर इनपुट कर लेना होगा। आप देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनपुट कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से दोनों हेड को एक ही साइज में रिसाइज कर लेना होगा। आपको यहाँ पर देखिए, थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक ही साइज में आपको दोनों ही हेड को करना होगा। उसके बाद आपको ये वाला जो आप हेड आपने ली है उस हेड को आपको यहाँ पर, उस हेड को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर जाना होगा, और क्रॉपिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको
तो यहीं पर आपको इस तरीके से क्रॉपिंग कर लेना होगा। क्रॉपिंग करने के बाद यहाँ पर राइट टिक जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ओवरले एनिमेशन एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लिंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लिंक स्लो, ठीक है। तो ये वाला जो एनिमेशन देख रहे हैं इस एनिमेशन को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। अब देखिए गाइस मैं यहाँ पर आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है इस कैरेक्टर का जो आई है वो कैसे ब्लिंक कर रहा है। आप देखिए गाइस कैसे एक प्रोफेशनल कार्टून कैरेक्टर की तरह इसका जो आई है वो ब्लिंकिंग हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो माउथ है वो कैसे आप ट्रैकिंग कराएंगे। एंड इसके लिए गाइस आपको ये लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, डुप्लीकेट कर लेना होगा। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पर आपको जो एक क्रॉपिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस क्रॉपिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। और क्रॉपिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहीं पर क्रॉपिंग करके यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। आपको यहीं पर क्रॉपिंग कर लेना होगा। आप क्रॉपिंग करने के बाद आपको यहाँ पर ओवरले एनिमेशन पर जाना होगा, और ओवरले एनिमेशन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो फ्लिक कर जो ये एनिमेशन देख रहे हैं इस एनिमेशन को आपको ऐड कर लेना होगा, सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको राइट टिक पर क्लिक कर देना होगा। एंड उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, जहाँ पर आप माउस ट्रैकिंग कराना चाहते हैं उस तरीके से आपको खींच के यहाँ पर ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको कट लगा देना होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप जहाँ पर माउस ट्रैकिंग कराना चाहते हैं इस तरीके से आपको लगा देना होगा कट, ठीक है। इससे आपको जहाँ पर माउस ट्रैकिंग कराना है वहीं पर आपको कट लगा के इस तरीके से आपको ऐड कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर माउस ट्रैकिंग हो रही है, तो इस तरीके से आप जो है माउस ट्रैकिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यही जो वीडियो आपने तैयार की है इसको आपको इस तरीके से आपको सेव कर लेना होगा अपने गैलरी पर, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कार्टून करेक्टर का बॉडी पार्ट आप कैसे मूवमेंट करेंगे, साथ साथ कार्टून करेक्टर का जो आपने फेस तैयार किया है उसको आप कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो गाइस अब आपको बॉडी पार्ट को यहीं पर इनपुट कर लेना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर बॉडी पार्ट को इनपुट कर लिया है। अब आपको इसका जो हैंड है वो ही आपको इनपुट कर लेना होगा। एक एक करके आपको सारे बॉडी पार्ट को यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा। ये आपको बॉडी पार्ट को यहीं पर इनपुट कर लेना होगा। इनपुट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको किसी हैंड को अगर आप मूवमेंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हैंड पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको की का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर मूव करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मूव करा सकते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो है कार्टून कैरेक्टर का बॉडी जो है वो मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों हाथ में एनिमेशन देना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो फेस आपने तैयार की है उस फेस को आपको यहाँ पर इनपुट कर लेना होगा। क्रोमा के ऑप्शन पर जाना होगा, इसका एनेबल करना होगा। एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना होगा अच्छी तरीके से और यहाँ पर आपको ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहीं पर ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद आपको की फ्रेम एनिमेशन पर जाना होगा, कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन करना होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको हेड को हिला कर ऊपर नीचे करके कुछ इस तरीके से आपको एनिमेशन कर देना होगा ताकि आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा रियलिस्टिक दिखने लगे। तब देखिएगा इसके कैसा लग रहा है, ठीक है। एक प्रोफेशनल एनिमेशन की तरह ये जो कैरेक्टर है वो लग रहा है। अब आपको इस वीडियो को आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो शेयर वाला ऑप्शन है इस शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे आपको सेव कर लेना होगा। और सेव करने के बाद आप किसी भी अपने कार्टून प्रोजेक्ट में आप इस करेक्टर को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आप कार्टून करेक्टर का आई ब्लिंकिंग करा सकते हैं और माउथ ट्रैकिंग करा सकते हैं और बॉडी पार्ट को मूवमेंट भी करा सकते हैं। तो यहीं तक गाइस आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।